14 टेबल लगाई जाती हैं जो मतगणना केंद्र के ऊपर है, उसके बाद राउंड वाइज राउंड और मतगणना होगी। और लगभग अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि 10 या 11 बजे तक एक तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी कि क्या आपकी बार भाजपा तीसरी बार सत्ता के अंदर बैठ रही है या कांग्रेस जो है 10 साल का सूखा खत्म करके और सरकार के अंदर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आमने सामने की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की, जो क्षेत्रीय दलों का वजूद है वो इस चुनाव के अंदर कहीं नहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर जननायक जनता पार्टी, जिसकी पिछली चुनाव की अगर बात करें तो निर्णायक भूमिका रही थी और 10 सीटें लेकर के उप मुख्यमंत्री बने थे दुष्यंत चौटाला, लेकिन अब की बार 2024 का जब चुनाव आया है तो वही जननायक जनता पार्टी पूरी तरह से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और अब की बार क्या उनकी कोई सीट आती है या अब की बार कोई भी सीट नहीं आती है, ये देखना होगा। अंकित हमारे साथ तेजेंद्र सिंह सोढ़ी भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं तेजेंद्र सिंह सोढ़ी। अंकित, आपसे ये जानना चाहूंगा, जो एग्जिट पोल अभी तक सामने आया उसने ये दिखाया कि जो कांग्रेस है उसे इस बार पूर्ण बहुमत मिलेगी, जो एग्जिट पोल के अलग अलग नतीजे हैं, क्योंकि वो एग्जिट पोल था, आज एग्जैक्ट पोल का जो रिजल्ट है वो सामने आएगा। लेकिन दोनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों एग्जिट पोल को नकार रही हैं। ग्राउंड पे क्या माहौल है, ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है? मेरे को सोटी जी की आवाज बहुत कम मिल रही है, सवाल सुन नहीं पा रहा हूं मैं। अंकित, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से एग्जिट पोल आया है जिसमें ये दिखाया कि कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रही है हरियाणा में, लेकिन दोनों पार्टीज जो हैं वो एग्जिट पोल को रिजेक्ट कर रही हैं। बीजेपी का ये मानना है कि बीजेपी तीसरी बार जो है वो सत्ता में आएगी, बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस ने जो एग्जिट पोल के बाद अभी तक सपने देखे हैं आज वो सारे सपने जो हैं वो टूट जाएंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि एग्जिट पोल में हमें कम सीटें मिली हैं, हम तो पिछले कई रिकॉर्ड जो 2005 का रिकॉर्ड था वो भी तोड़ देंगे। लेकिन आप लगातार इस इलेक्शन को, पूरी कैंपेन को कवर कर रहे हैं, आपने ग्राउंड पे क्या पाया कि आज जो रिजल्ट आएगा किसके, जिस तरह आप कह रहे थे कि आज की रात जो गुजरी हुई रात है वो सबके लिए भारी थी, तो आगे किस पार्टी को आराम करने का अब अच्छा मौका मिलेगा? बिल्कुल, जिस तरह इसके एग्जिट पोल जो निकल करके सामने आए हैं, एग्जिट पोल ने लगभग सभी ने, किसी एक ने भी कहेंगे कि बीजेपी का एज नहीं दिखाया है, और सब लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब हम ग्राउंड के ऊपर घूम करके रिपोर्टिंग कर रहे थे तो वहाँ भी लोगों के अंदर यही था कि बदलाव की लहर थी, कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, लेकिन दबी आवाज़ के अंदर लोग कुछ और भी कहते हुए नजर आते थे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के फैसले लिए, वो चाहे बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का सवाल हो या दूसरे जो कई पोर्टल ऐसे बनाए गए जिनसे कहीं ना कहीं सुविधा भी हुई, और कई पोर्टल ऐसे बनाए गए जिनसे असुविधा भारी हुई, तो कहीं ना कहीं मिला जुला सा असर देखने को मिला ग्राउंड के ऊपर। लेकिन जिस तरह के एग्जिट पोल आए हैं उससे कांग्रेस जहां काफी उत्साहित है, कांग्रेस के नेता काफी उत्साहित है, वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो हमने परसों ही देखा था कि खुद मुख्यमंत्री जो है नायब सैनी वो मीडिया के सामने आए, जहां उन्होंने सभी कर्मचारियों का धन्यवाद किया जो चुनाव के अंदर लगे थे, जनता का धन्यवाद किया, वहीं वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। जो उनका कॉन्फिडेंस था, जो उनका आत्मविश्वास था, वो कहीं ना कहीं देखने लायक था। और उन्होंने साथ के साथ एक और बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि हमारे पास सरकार बनाने की सारी व्यवस्थाएं हैं। तो वो कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे थे, वो तो आज अब 11-12 बजे के आसपास जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद निकल करके सामने आएगा कि किन व्यवस्थाओं की वो बात कर रहे थे। लेकिन जब उनसे गठबंधन की बात की गई तो उन्होंने कहा कि नतीजे आने दीजिए, जब नतीजे आ जाएंगे तो उसके बाद देखेंगे कि किसका साथ लेना है, किसके साथ जाना है, उस समय का फैसला होगा। लेकिन कल भी हमारी मोहनलाल बडोली जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे जब बात हो रही थी तो वो